की बड़ी और अहम खबर बता दें, एसपी से तेज प्रताप यादव हो सकते हैं उम्मीदवार। कल हो सकती है तेज प्रताप यादव के नाम की घोषणा। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। मैनपुरी सीट पर 10 नवंबर से शुरू होगा नामांकन। शिवपाल यादव सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। जिस बात का अनुमान लगाया जा रहा था, सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही है, तेज प्रताप को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। यहां से समाजवादी पार्टी की तरफ से मैनपुरी सीट पर उपचुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव उम्मीदवार हो सकते हैं। कल तेज प्रताप यादव के नाम की घोषणा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। मैनपुरी सीट पर 10 नवंबर से शुरू होगा नामांकन। शिवपाल यादव इस सीट पर नहीं उतारेंगे अपना उम्मीदवार। सूत्रों से मिली ये बड़ी खबर आपको बता रहे। और अविनाश इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि तेज प्रताप के नाम की घोषणा हो सकती है, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कल नाम की घोषणा हो सकती है। अविनाश आवाज आ रही है आपको? चलिए अविनाश से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मैनपुरी सीट उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव उम्मीदवार हो सकते हैं और कल इनके नाम की घोषणा हो सकती है, जैसा कि सूत्रों से यह खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मैनपुरी सीट पर 10 नवंबर से नामांकन शुरू होगा। 5 दिसंबर को वोटिंग है और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। रिजल्ट 8 दिसंबर को आएगा। नामांकन से पहले नाम की घोषणा, तेज प्रताप यादव के नाम पर मुहर लग सकती है, उम्मीदवार हो सकते हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होना है। पीएसपीएल जो है वो अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। और समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला की याचिका को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। बड़ी और अहम खबर, अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका। एसपी नेता सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र का यह मामला, सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला की याचिका को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है।